नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, बाराबंकी में बीजेपी नेता पर कई बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों, इन आरोपों पर बीजेपी नेता का लगभग जेल जाना तय माना जा रहा है। बात करेंगे इस पूरी खबर के विस्तार से, लेकिन दोस्तों अगर आप गोदी मीडिया का दिल से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, बाराबंकी में बीजेपी नेता पर रेप का प्रयास करने का बड़ा आरोप लगा है। बता दें, पीड़िता ने कहा है कि सस्ते दाम पर फ्लैट दिलाने के बहाने बुलाया, फिर बियर पिलाने की कोशिश की। दोस्तों बता दें, बाराबंकी में एक महिला ने बीजेपी नेता और एक प्रॉपर्टी डीलर पर फ्लैट दिखाने के नाम पर बलात्कार करने की कोशिश और मारपीट का आरोप लगाया है। इसमें सीओ सिटी का कहना है कि महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है। बता दें, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी बीजेपी नेता और प्रॉपर्टी डीलर फरार बताए जा रहे हैं। बता दें, महिला के साथ अनहोनी करने का प्रयास और मारपीट का आरोप एक बीजेपी नेता बाबू खान और पुल्लू प्रॉपर्टी डीलर लगा है। ये दोनों साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। बीजेपी नेता की प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हो रही है। बता दें, बीजेपी नेता बब्बू खान और पुल्लू प्रॉपर्टी डीलर, इन दोनों ने एक महिलाओं को सस्ते दामों पर फ्लैट दिलाने के बहाने फोन किया, उसे फ्लैट दिखाने के लिए अपने प्लॉट पर बुलाया और फिर उसे बियर पिलाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। महिला के मना करने पर उन्होंने इसके साथ अनहोनी करने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर दोनों ने उसके साथ फिर मारपीट की। बता दें, पीड़िता महिला ने नगर कोतवाली में इस पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस दो दिन तक केस दर्ज करने में हीलाहवाली करती रही। इसी दौरान पीड़िता महिला ने पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स्य को शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तब कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। बता दें, कोतवाली पुलिस महिला को घटना स्थल पर लेकर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी बीजेपी नेता और प्रॉपर्टी डीलर फरार बताए जा रहे हैं, यानी बीजेपी नेता अपने जगह से भाग गया। दोस्तों देखिए किस तरीके से देश के अंदर ये घटनाएं आवाम हो गई, और देश की सरकार यानी केंद्र सरकार ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाजपा के अंदर ही वो नेता ऐसे हैं जो कि इनकी इज्जतों से खेलते हैं। बता दें, मामले में सीओ सिटी के एक सिंह ने बताया कि ये 26 दिसंबर की घटना है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। इस संबंध में नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूरे मामले की विवेचना की जा रही है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, मुलायम सिंह की बहू भाजपा में शामिल। अर्पणा यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय आराधना करने निकली हूँ, पीएम मोदी सीएम योगी से प्रभावित हूँ। बता दें, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। मुलायम सिंह की छोटी बहू अर्पणा यादव बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई है। उन्होंने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि वे लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिलने से अखिलेश से नाराज थी। अर्पणा मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। बता दें, अर्पणा ने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, मुझे आपका सहयोग बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन, महिलाओं के स्वावलंबन को पार्टी की अन्य योजनाओं से बहुत प्रभावित कर रही हूँ, जो भी कर सकूंगी पूरी क्षमता से करूंगी। बता दें, अर्पणा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अर्पणा ने भाजपा में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रदेश का विकास हो रहा है। अखिलेश यादव सांसद और मुख्यमंत्री के तौर पर असफल रहे, बार बार कहते थे कि हर योजना हमने शुरू की है। लेकिन दोस्तों, अर्पणा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबर पिछले 3 दिनों से चल रही थी। कहा जा रहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। शिवपाल ने भी अर्पणा यादव को परिवार की पार्टी में रहने की सलाह दी थी। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक है, फिर अचानक ऐसा हुआ कि अर्पणा भाजपा में शामिल हो गई। दोस्तों, आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।